आइए किस तरह से रागिनी की तरफ चलते हैं प्रेमी साथियों। किस्सा होगा गोपी चंद चंद्रावल और उस समय की बात की जब सोले रानी गोपी चंद की सेवा में लगी हुई है, कोई हाथ मलवी है कोई कमर मलवी है उसे नहला रही है और इस दृश्य को गोपी चंद की मां मैनावंती ऊपर छज्जे से देख रही है। देखते देखते आंखों में आंसू आते हैं और आंख से आंसू छलक करके गोपी चंद के नंगे बदन पर जाकर के गिरते हैं। देखा बिन बादल बरसात कैसे हो रही है, ऊपर देखा तो मां रो रही है। मां के पास में पहुंचता है, मां ऐसा क्या दुख हुआ जो तुझे रोना आ गया, क्या किसी रानी ने कुछ गलत बोल दिया। बोली ना बेटा किसी ने कुछ नहीं बोला, जैसा सुंदर शरीर तेरा है ऐसा ही सुंदर शरीर तेरे पिता पद्मसेन का था, लेकिन कौल ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी भक्षण कर लिया, मेरे लाल मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ। ऐसा ख्याल ले आती है और लेकर के गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंच जाती है। गुरु जी मैं इसे अमर कराना चाहती हूँ, इसे अपना चेला बना लीजिए। मना कर देते हैं गुरु कि इस तरह से अमर नहीं होया करते, ये राज भोगने के लिए आया है, इकलौता वारी से इसे राज भोगने दे। लेकिन हट पर अड़ जाती है मैनावंती। प्रेमी साथियों अब तो जो राजा होया करता था वो फकीर बन जाता है, साधु बन जाता है। जब सर पे ताज होया करता था उस सिर पे लटा बढ़ जाती है, कान फड़ा लेता है। मेहरबानो आठोयाम भजन कर रहा है। एक दिन गुरु ने आदेश किया, गोपी चंद तेरा जोग जब सफल होगा जब तू अपने नगर में जाकर के अपनी ब्याही से माँ कहकर के भिक्षा लाएगा जब तेरा जोग सफल होगा, वरना नहीं। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है गुरु जी, जो भी आपने बताया है उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ और वो कर भी रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अर्धांगनी है जिसके साथ में मैंने सात फेरे लिए हैं मैं उसे माँ कैसे कह सकता हूँ। किस तरह से गुरु से क्या कहने लगा, रागिनी के द्वारा खेल क्या बना। मुश्किल हो जागा और वो पीछन पे ब्याही में मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु दिल पे हर सहरा मुश्किल हो जागा, चेहरा मुश्किल हो गुड्डू जी चौरा से 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए और हमारे भाई देके गए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली कली के माध्यम से गुरु को ख्याल समझाने लगा। ओ, इस तरिया
मेरे पैरों से मुश्किल हो गया। आदरणीय हमारे बड़े भाई विकल गुर्जर जी, जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, वो भी फूल माला और 251 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय पवन पोसवाल जी माधवगढ़ से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 101 रुपए हमारे परम मित्र भाई बिट्टू जी लोनी से, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए भगत सिंह यूनियन से, अनूप शहर विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय संदीप खालौर जी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय श्रीमती राजबाला जी, जो रुड़की बहुत दूर से चल करके हमारे बीच में, ये रुड़की से सभी कलाकारों का लगभग उन्होंने मान सम्मान किया है, वो भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और जिन भी महानुभावों ने भाई पैसे दिए हैं, फूल माला से स्वागत किया है, जिन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया है, मैं बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई क्या बता दिया, गौतम जी दरोगा साहब 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय अशोक जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे भाई राजीव खदाना जी, वो भी मान सम्मान उन्होंने भी किया है, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे बड़े ही परम मित्र, जिनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, हर जगह रागनियों के भाई बहुत शौकीन है, हर जगह पहुंचते हैं, बड़े भाई अमित शर्मा जी जमुना ठेर से 500 रुपए से वो भी मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और अनिल चौधरी जी हिंदू वाहिनी मेरठ मंडल उपाध्यक्ष और सुनील मंत्री जी, भाई मिलकर के 1100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करें, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाने चाहिए, जोरदार ताली सभी महानुभावों के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरु जी की जगह रोक के रखो, जगत में दुनिया कर्म खोले जगत में।
मुश्किल हो जागा वो घर भी जब प्यारी ने बड़ा मुश्किल हो जागा मुश्किल हो आज के उभरते हुए राइटर परमादरणीय हमारे भाई राजीव इलना जी, जो कि हमारे गुरुजी महर्षि सुखपाल पुराणा जी के परम शिष्य हैं, वो भी एक सौ रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। जितेंद्र नागर जी ग्राम हैदलपुर अमरोहा से 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई जिन महानुभावों का नाम नहीं बोल पाया हूं, उनके लिए भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत, उनका धन्यवाद करते हैं। लास्ट कली में किस तरह से बताया बिंटू चौधरी, बिंटू फौजी जी जरौली से, वो भी 100 रुपए से कर रहे हैं मान सम्मान, बार बार धन्यवाद करते हैं। यूं कहने लगा, गुरु जी जिसके साथ में मैंने 7 फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे माँ कैसे कह सकता हूँ। गुरु जी क्या कहने लगा बोला